खबर जनपद बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिड्ढा गांव से है, जहां ग्राम सभा के लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रधान चंद्रशेखर सिंह के द्वारा ग्राम सभा के विकास कार्यों में धांधली चरम सीमा पर की जा रही है और जो विकास कार्य हुए हैं वो मानक का अनुरूप है, जो शासन के मानक के विपरीत कार्य किया गया है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी को की गई परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और प्रधान द्वारा गाँव में दबंगई करने का भी गंभीर आरोप लगा है। प्रधान चंद्रशेखर सिंह के द्वारा कुछ अराजक तत्व पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि स्कूल में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। दरअसल कुछ अराजक तत्व चुनाव हारने को लेकर परेशान कर रहे थे, जिनके खिलाफ आवेदन भी दिया गया है। मैं एक पर्चे बता दीजिए। मैं ग्राम प्रधान मिड्ढा चंद्रशेखर सिंह। गांव की कुछ लोगों ने आरोप लगाया है, प्रधान जी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, गांव में जो विकास कार्य उस पर भी धांधली करते हैं, इस तरह लोगों ने बताया है। इस पर आपका क्या प्रक्रिया है? ऐसा है, कहीं कोई धांधली नहीं है, न कहीं किसी प्रकार का कोई अनिलूट का सोचा है। सब आपसी चुनाव हारने की वजह से पुरानी रंजिश को लेकर ये लोग ऐसा काम करते हैं और इसको लेकर ये लोग हमारे जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी पहुँचे हुए थे। जिलाधिकारी महोदय आज से 3 रोज पहले हमारे विद्यालय पर आई थी। विद्यालय के शौचालय को जो तोड़ा गया है, बाउंड्री वाल तोड़ा गया है। कौन तोड़ा है? अज्ञात, किसी चीज में निशानदेही नहीं है कि कौन तोड़ा, लेकिन दोनों तरफ से एप्लीकेशन है, हमारे तरफ से भी थाने में एप्लीकेशन है। हमारी जिलाधिकारी महोदय ने उसको देखा है और उन्होंने कहा है कि प्रधान जी 2 महीने के अंदर इसको आप बनवा दीजिए। आप अज्ञात करें, आप नाम दर्ज तरही आपने दिया है। अज्ञात ही है, शंका पर लोगों को कहा गया है कि नहीं ये लोग हो सकते हैं, कारण कि लोगों की हमेशा वहाँ पर उपस्थिति दर्ज रहती है। कौन लोग हैं वो? दूसरे ग्राम पंचायत के लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं। विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक पाठशाला मिड्ढा एवं प्राथमिक पाठशाला बांसपाली, 2 हमारे अंडर में विद्यालय आते हैं और जिन पर अक्सर बता तो दिया मैंने पहले ही कि पुरानी रंजिश को लेकर चुनाव हारने पर वो लोग आज तक नाखुश हैं और इसी को लेकर अपने अपने रिश्तेदारों से बात करें।